हेलो दोस्तों, मेरे पास है लावा LZX408 लावा युवा 2 प्रो। इसको हम हार्ड रीसेट पासवर्ड अनलॉक कैसे करेंगे? मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया हमने, पावर की और वॉल्यूम अप की साथ में दबा के रखेंगे। जैसे ही मोनो ये लिखा आता है, आपको पावर की छोड़ देना है। सबसे ऊपर लिखा है रिकवरी मोड, इसको हम डाउन की से ओके करेंगे। डाउन की दबाएंगे, रिकवरी मोड पे जो तीर का निशान है वो आ जाता है, तो डाउन की से ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा हार्ड रीसेट का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज, इसलिए मैंने चार्ज पे लगा दिया। ये है अप डाउन की से आप नीचे ऊपर कर पाएंगे। तो हमें जो है वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट पे आना है। तो ये वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट है, ये रहा। इस पे आके हम पावर की को दबाएंगे तो ये हमारा जो है सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ओके हो जाएगा। पावर की को प्रेस करेंगे, अब डाउन की से नीचे आएंगे और पावर की को एक बार और प्रेस कर देंगे तो हमारा जो है पासवर्ड अनलॉक फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, रीबूट आ गया। पावर की दबा के हम रीबूट पे जो है कर देंगे मोबाइल को। तो इस तरीके से आप लावा युवा 2 प्रो का पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं, बिना किसी कंप्यूटर के हार्ड रीसेट कर सकते हैं। और अगर इसमें आपका FRP लॉक है तो FRP लॉक का वीडियो मेरा जल्दी आएगा, जो कि मिरेकल पावर टूल से आप इसका FRP कैसे कर पाएंगे। हालांकि मिरेकल पावर टूल में इसका मॉडल सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो है ये लावा युवा 2 प्रो LZX408, उससे FRP बायपास, FRP अनलॉक हो जाएगा वन क्लिक में। वो मैं मेथड आपको बता दूंगा जल्द ही, शायद आज या कल मेरा जो वीडियो है वो FRP का लावा के इस LZX408 के ऊपर आ जाएगा, युवा 2 प्रो के ऊपर। और जो पासवर्ड अनलॉक है आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपका FRP लॉक भी रहता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, जिससे आप इसका FRP अनलॉक भी कर पाएंगे। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।